हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ई स्टे के बारे में। आप इंडिया से कैसे इसके ऊपर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, चाहे आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स हो चाहे आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लाइक आपका कोई हैंडीक्राफ्ट का आइटम है या आपकी कोई स्टोर है तो भी आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, कैनवा टेम्पलेट्स है, ई बुक्स हैं, या आपके कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट जो आपने क्रिएट किया है वो भी इसके ऊपर सेल कर सकते हैं। सो ज्यादा फोकस हम ना हमारा डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही रहने वाला है और फिजिकल प्रोडक्ट्स का प्रोसेस दोनों का ही सेम है। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और डिजिटल प्रोडक्ट वालों को तो देखनी ही है। सो गाइस, जैसा कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं ईस्टे की वेबसाइट पे हूँ जो इंडिया के अंदर भी काम करती है। ऑल ओवर वर्ल्ड इसका बिजनेस है। आप इंडिया से बाहर अगर सामान बेचना चाहते हो तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। इस पे काफी काफी लोग सेल कर रहे हैं और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। सो इसके ऊपर कैसे आपको अकाउंट बनाना है, क्या क्या इसके चार्जेस हैं, सारी चीजों के बारे में हम इस पे बात करने वाले हैं। सो लेट्स सी, आप जैसा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ₹15 लिस्टिंग फीस। अगर आप एक कोई प्रोडक्ट डालते हैं उसका ये ₹15 चार्ज करते हैं एक लिस्टिंग का। बट अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं आपको 40 फ्री प्रोडक्ट लिस्टिंग का लिंक देने वाला हूँ, जहां से आप अगर साइन अप करते हैं तो आपको 40 फ्री प्रोडक्ट लिस्ट कर पाएंगे। एंड साथ के साथ ही आपनी 5% कमीशन चार्ज करते हैं ट्रांजेक्शन फीस पे। लाइक पेपाल फीस है, जो पेपाल फीस भी अगर आप पेपाल पे पैसा लेते हैं तो पेपाल भी आपसे 4% का ट्रांजेक्शन चार्जेस लेता है। एंड सेकंड देखते हैं, अगर आपको एड्स वगैरह रन करने हैं तो 15% के चार्जेस है। सो इसके लिए मैंने पूरा एक प्रॉपर लिस्ट बनाया हुआ है कितने कितने चार्जेस है। आपको एक लिस्टिंग का ₹14 से ₹15 देना पड़ेगा, 5% इनके ट्रांजेक्शन फीस है जो ये चार्ज करते हैं, 4% आपका पेपाल फीस रहने वाला है जो पेपाल इसमें चार्ज करता है जब आप पेमेंट लेंगे। इसके लिए आपको पेमेंट लेने के लिए आपको पेपाल का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, बिजनेस अकाउंट, और उसके थ्रू आप पेमेंट ले पाएंगे। एंड इसमें अगर आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट है और उसको कोरियर करना चाहते हैं तो कोरियर के चार्जेस ₹1200 हैं 500 ग्राम्स के, और यूएस यूके में सेंड करने के, एंड 2500 रुपीज हैं DHL और फेडेक्स के अगर आप इनसे सेंड करते हैं तो। आपके पास इसके ऊपर सेल करने के लिए एक पेपाल अकाउंट होना मस्ट है, इसके बिना आप इससे पेमेंट नहीं ले पाएंगे। एंड पेपल अकाउंट बनाना बहुत ही इजी है, paypal.com पे जाके आप अपना सिंपल अकाउंट बना सकते हैं और इसमें आप एज ए इंडिविजुअल एज ए बिजनेस दोनों ही कैटेगरी में सेल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी कंपनी होना जरूरी है। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो मैंने सिंपल यहाँ पे कैनवा टेम्पलेट्स डाला है, तो आप देख सकते हैं कितने लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। देखिए 82 रिव्यूज हैं, 857 रुपीज, 868 रुपीज, 7000 रुपीज। सो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं और काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। बिकॉज आप जब फेसबुक एड्स के थ्रू सेल करते हो या वेबसाइट बनाते हो तो उसमें काफी सारा कॉम्प्लिकेशन रहता है। वेबसाइट बनाओ, होस्टिंग खरीदो, लैंडिंग पेज के टूल्स खरीदो, बट यहाँ पे सारा कुछ आपको बना बनाया मिलने वाला है। सो अब हम इस पे अकाउंट बनाने के लिए सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, आप यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप इसमें इजीली लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल मैं मेरी लॉगिन आईडी से लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं अकाउंट के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा एक स्टोर क्रिएट करने का। अब ये पूछ रहा है नेम ऑफ योर स्टोर, आप अपने स्टोर का नेम क्या रखना चाहते हैं। सो योर शॉप नेम विल अपियर इन योर शॉप नेक्स्ट टू ईच ऑफ लिस्टिंग। ईच जो लिस्टिंग है उसके पास में भी आपका शॉप का नाम आएगा, एंड प्लस आपका शॉप का नाम एक जो URL क्रिएट होता है उसके अंदर भी आपका एक स्टोर का एक अलग से पेज बनेगा। सो आप इसमें अपना नाम भी रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मेरा नाम डाल देता हूँ, रोहित कुमावत। ओके, ये बोल रहा है विदाउट स्पेस डालना है तो मैं विदाउट स्पेस डाल देता हूँ। चेक अवेलेबिलिटी, ये बोल रहा है अवेलेबल है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे अवेलेबल है। एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, तो सेव एंड कंटिन्यू के बाद अब मेरे को पूछ रहा है स्टॉक योर शॉप। सो एड योर मैनी लिस्टिंग एज यू कैन, 10 और मोर वुड बी ग्रेट, एंड मोर लिस्टिंग मीन्स मोर चांस टू डिस्कवर। आप जितनी लिस्टिंग डालेंगे उतने आपको सर्च में आने के चांसेस हैं। तो अब मैं एड ए लिस्टिंग पे क्लिक कर देता हूँ, एंड इस पे अब आ चुका है सेटअप योर लिस्टिंग।
अब यहाँ पे मेरे को देखिए क्या क्या चीजें करनी है। यहाँ पे मेरे को फोटोज डालनी है अपने प्रोडक्ट की, यूज नेचुरल लाइट एंड नो फ्लैश, इंक्लूड कॉमन ऑब्जेक्ट टू स्केल। सो ये देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है, ये आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग की इंफॉर्मेशन है। तो लेट सपोज अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फोटोज डालनी है, फोटोज प्राइमरी एवरी एंगल ये सारी चीजें बताई हुई है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें आप वीडियो डाल सकते हैं, वीडियो के बारे में बताया हुआ है, 100 MB तक की वीडियो डाल सकते हैं। लिस्टिंग डिटेल, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है एंड अबाउट द लिस्टिंग, हु मेड इट में आपने बनाया है तो आपका नाम आएगा, एंड अ फिनिश प्रोडक्ट है, सप्लायर टू मेकिंग थिंग्स, आप कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट मटेरियल है, ये सारी चीजें हैं। कैटेगरी क्या है इस प्रोडक्ट की, एंड इसमें हम डिजिटल भी डिजिटल प्रिंट्स, डिजिटल एंड डिजिटल ये आप चूज कर सकते हैं इसके अंदर। कैनवास सरफेस ये देखिए डिजिटल प्रोडक्ट है, ये डिजिटल एंड डिजिटल आप चूज कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें देखिए एंड ये हो गया अपना टाइटल, हो गया अबाउट द लिस्टिंग, हो गया एंड डिजिटल कैटेगरी हो गई, ड्रॉइंग एंड इलस्ट्रेटर। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल है, रूम ये भी ऑप्शनल है, ओरिएंटेशन फ्रेमिंग ये सब ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिकली ये द लिस्टिंग विल रिन्यू, ये ऑटोमेटिकली आप इसको रिन्यू करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली भी क्लिक कर लीजिएगा, और मैनुअल पे क्लिक करना चाहते हैं तो मैनुअल पे क्लिक कर दीजिएगा जब भी ये आपका चार्जेस काटेगा। एंड देखिए यहाँ पे आप ये चीज आपको ध्यान से समझ लेनी है, यहाँ पे अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो फिजिकल चूज करना है, डिजिटल प्रोडक्ट है तो डिजिटल पे क्लिक कर देना है। गॉट इट? यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा प्रोडक्ट का, एंड ए न्यू प्रोडक्ट प्लानर, प्रोडक्ट पार्टनर ये सब आपको नहीं करना है, ये सब ऑप्शनल है, ऑप्शनल चीजें छोड़ देनी है। प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, क्वांटिटी क्या है कितनी है, एसक्यू आपको ये छोड़ देना है, ऑप्शनल है। डिजिटल फाइल यहाँ अपलोड कर देनी है आपको, सिंपल। ये सारी चीजें भरने के बाद आपको सिंपल हाउ टू गेट पेड, यहाँ पे आपसे पूछेगा बैंक पेपाल की ईमेल आईडी, और पेपाल की ईमेल आईडी आप पेपाल से अकाउंट क्रिएट करके ले सकते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे सिंपल इजीली आप क्रिएट करेंगे अकाउंट, आपको अपना अकाउंट ऐड करने के बाद आपकी ईमेल आईडी मिलेगी, वो यहाँ पे डाल देनी है। अब ये बिलिंग का प्रोसेस है, यहाँ पे आपको डिटेल्स पूछेगा कैसे आप पेमेंट लेना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं है, एंड योर शॉप सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी का है, आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं, ये सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, बिकॉज इसमें ज्यादातर लोग आउट ऑफ इंडिया से आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, इंडिया के लोग इस वेबसाइट से नहीं खरीदते। सो अगर आप डॉलर्स में कमाना चाहते हैं, अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ईस्ट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। इस पे जाके मैंने जो प्रोसेस बताया उसके थ्रू आप अकाउंट क्रिएट कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड मेरे लिंक से अगर आप ईस्ट का अकाउंट बनाते हैं तो आपको 40 प्रोडक्ट लिस्ट करने को मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ये 15 रुपए चार्ज कर रहा है वो आपको नहीं देने हैं। जी हाँ गाइस, आपको ये 15 रुपए नहीं देने हैं, 40 प्रोडक्ट आप फ्री में लिस्ट कर पाएंगे। सो गाइस, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी अगर आप डॉलर्स कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, एंड आज ही अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ईस्ट पे अकाउंट क्रिएट कीजिए, अपना ई बुक क्रिएट कीजिए या फिर अपने कैनवा के टेम्पलेट्स क्रिएट कीजिए और सेल करना स्टार्ट कीजिए। जी हाँ गाइस, इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बिकॉज मैं आगे इस वजह से नहीं बता पा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे पूरी डिटेल्स प्रॉपरली भरनी पड़ेगी, एक प्रोडक्ट की डिटेल, देन ही ये मुझे नेक्स्ट करने देगा, नहीं तो ये देखिए अभी एरर बता देगा। गॉट इट? सो इस वजह से आप अपनी डिटेल्स को पूरा प्रॉपर भरेंगे तो ये आगे आपको कंटिन्यू करेगा, और इसमें आगे जो जो चीजें मांग रहा है वो भरते जाइए, आपका स्टोर क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे गाइस। एंड जो जो चार्जेस मैंने आपको बताए वो डिटेक्ट करने के बाद जो पेमेंट है आपके पेपाल अकाउंट में आएगा, पेपाल से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड टिल देम बाय।